हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? माई सेल्फ मनीषा मेहता। आशा करती हूँ आप सब सेफ हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इम्यूनिटी के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था इम्यूनिटी का एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है, वो है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब सिंपल शब्दों में बैलेंस्ड डाइट। न्यूट्रिशन वर्ड आते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे पिक्चर्स आने लगते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये वो, हमें बैलेंस्ड डाइट कहाँ से मिलेगा, ये सारी सोच में हम पड़ जाते हैं। तो आज पहले जानते हैं कि वो बैलेंस्ड डाइट कैसे होता है। बैलेंस्ड डाइट वो होता है जो हम पूरे दिन में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट में खाएँ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर्स एंड वाटर। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो होते हैं हमारे मिनरल्स, विटामिन्स, सप्लीमेंट्स। तो ये जो होता है वो हमें प्रॉपर गाइडेंस के साथ और हम जैसे खाते आए हैं वैसे ही लेना है। ऑल ऑफ अ सडन जो हम डाइट करने के बहाने से जो बचपन से खा रहे हैं उसको चेंज करके हमारे खाने पीने के तरीके में हम बदलाव लाते हैं, उससे हमारे बॉडी को सस्टेनेबल वे से हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं उस, और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सीरीज़ में हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो उसी सीरीज़ में वो छोटा छोटा होता जाता है और वही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, ईंधन मिलती है, जिससे हम, हमारा बॉडी वर्क करता है होल डे, हमारे बॉडी का हर एक पार्ट वर्क करता है। उसी खाने से हमें हमारे मसल सेल्स, हमारे हर एक ऑर्गन की वेयर एंड टेयर, हमारे बोन हेल्थ, हमारी हार्ट हेल्थ, हमारी ब्रेन हेल्थ, वो सभी का ध्यान रखा जाता है। तो खाने से ही हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमेशा ग्राम्स में चाहिए होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमेशा मिलीग्राम्स में चाहिए होता है। वो माइक्रो मिलीग्राम भी होता है बहुत बार, पर वो बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि वो छोटे छोटे से हिस्से से भी बहुत सारी चीज़ें बॉडी में होती हैं और उसकी डेफिशिएंसी से हमारे बॉडी में कभी कभी मेजर पार्ट में जैसे कि ब्रेन या हार्ट या हमारे जॉइंट्स, ये सारी चीज़ों में तकलीफ आ जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम फैट डाइट्स फॉलो करते हैं या सोशल मीडिया या कभी यूट्यूब पे या किसी की सुनी सुनाई बातें या किसी का दिया हुआ पास ऑन डाइट हम बिना किसी के कंसल्टेशन से जो लेते हैं, उससे हमारी बॉडी को हम मेजर तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। उससे हमारे एंग्जाइटी अटैक्स आने लगते हैं, उससे हमें हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारे नाखून, हमारे बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, हमारी बॉवेल मूवमेंट्स जैसे कि हमारी डाइजेशन में बहुत सारी चीज़ों में तकलीफ होती है। और ख़ास तौर से हमें वो कीटो डाइट या हमें लो कार्ब्स डाइट, ये सारे फॉलो करने से पहले किसी को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो उससे कभी कभी किसी की डेथ भी हो सकती है। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि इम्यूनिटी बिल्टअप करने या वेट लॉस करने के चक्कर में आप अपने बॉडी को नुकसान ना पहुंचाएं। तो स्टे कनेक्टेड, मैं हरदम आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा आपको गाइड करती रहूंगी और बताती रहूंगी। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर, बाय बाय।